डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो अभी पीरियडिक टेस्ट वन होने वाला है, तो उसमें दो पेपर डिसाइड हुआ है, पेपर वन और पेपर टू। पेपर वन ऑब्जेक्टिव और पेपर टू डिस्क्रिप्टिव। तो हम कैसे ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव देंगे, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिटेल बता रहा हूँ। तो टीचर जो है गूगल फॉर्म मेल पर भी दे सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी दे सकते हैं। तो जैसे मेल पर हमने खोला है, अगर मेल पर मान लिए हैं तो हम मेल से जो लिंक भेजते हैं ईमेल से, वहाँ से भी पा सकते हैं और इसको खोल करके कर सकते हैं। और नहीं तो जो है आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप पर अगर लिंक भेजा जाता है तो वहाँ से भी ले सकते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप पर जैसे अभी हमने दो सैंपल पेपर भेजे हैं, तो देखते हैं इसमें। पहला है हमारा पेपर वन, जो है वो 30 मिनट्स का है और 25 मार्क्स का है। और जो डिस्क्रिप्टिव सेकेंड पेपर है वो 30 मिनट्स का और वो 15 मार्क्स का है। तो टीचर्स जो है क्वेश्चंस नंबर आप क्वेश्चंस चेंज कर सकते हैं डिस्क्रिप्टिव में। तो देखिए, पहले हम ऑब्जेक्टिव में, जैसे मान लीजिए आपने खोला तो PT1 का फर्स्ट पेपर, दैट ऑब्जेक्टिव, ध्यान दीजिए, इसको 30 मिनट में पूरा करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट डिटेल लिखा है, तो स्टूडेंट डिटेल में हम सबसे पहले नाम लिखेंगे, ठीक है। जैसे हमारा रमेश नाम है, ठीक है, तो रमेश हमने जो है नाम डाल दिए। और इसके बाद में जो है हम क्लास, मान लीजिए हमारा 6B है, तो 6B है या 6 और सेक्शन अलग से भी चॉइस कर सकते हैं, यहाँ तो दोनों एक साथ में दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद में जो है फिर रोल नंबर, रोल नंबर जो मेरा मेरा 5 है रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर 5 है। और सब्जेक्ट भी दिया हुआ, सब्जेक्ट हमने जैसे आप यूजुअल जो है अपना मैनुअल जब लिखते थे वैसे, डेट भी हमने डाल दिया, कहीं लिखने के हो सकता है या फिर ऑप्शन करने के हो सकता है, मे बी वेरिएशन, तो कुछ भी हो सकता है। तो आप जैसे आप डेट डालेंगे, ये आपका आप स्टूडेंट डिटेल लिखने का पार्ट है, ठीक है। आप लिखेंगे इसको और लिखने के बाद में आप जब टेस्ट का पार्ट आएगा, तो जब इस पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हम टेक्स्ट का पार्ट आ जाएगा। और टेक्स्ट पार्ट में आपका देखिए यहाँ पर से पहले लिखा है कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर वन, चूज करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें आपको चूज करना है, ठीक है, यहाँ 25 ऑप्शंस हैं, तो आप जो है पहले आराम से पढ़ कर करके और जो सही है उस पर ऑप्शन लगाएंगे। तो देखिए हम इस पर ऑप्शन लगा रहे हैं और हम इसको कर कर करके फिर सबमिट करते हैं। और ये जब आप सबमिट कर चुकेंगे तभी आपको सेकेंड पेपर डिस्क्रिप्टिव है वो दिया जाएगा। तो जो है आप ध्यान दीजिए समय का कि जो है आपको 30 मिनट्स में ही तैयार करना है, इसको कंप्लीट करना है और ऐसे तुक्का भी नहीं लगाना है, इसको जो है आपको अच्छे से पढ़ कर करके करना है। 30 मिनट्स बहुत होता है, 25 जो है मिनट्स में 25 क्वेश्चन 30 मिनट्स में बहुत ज़्यादा होता है। तो जैसे मैं इसको कर चुका और करने के बाद में जो है इसके बाद में हमने इसको सबमिट कर दिया, ठीक है। तो जब ये सबमिट कर देंगे और 30 मिनट्स आपका पास हो जाएगा, तब हमारा सेकंड डिस्क्रिप्टिव आएगा। थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव जो है आपको उसको ध्यान से समझना है। तो हमने इसको सबमिट कर दिया, ये हमारा 30 मिनट का जो है 25 मार्क्स का जो है फर्स्ट पेपर है। और सेकेंड पेपर आपका जो है जैसे हम जाते हैं वही व्हाट्सएप ग्रुप पर, दूसरा जो है हमारा जो है पेपर टू है। तो पेपर टू में जैसे टीचर जो है सब्जेक्ट वाइज और टीचर वाइज कुछ क्वेश्चंस में वेरिएशन हो सकता है, कुछ चेंजिंग हो सकती है नंबर ऑफ क्वेश्चन, कुछ भी हो आपको लिखना है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिया है इंग्लिश में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, तो पहले तो जो है पार्ट है स्टूडेंट का पार्ट, तो जैसे पहले आप भरते थे वैसे ही भरेंगे इसको। मान लीजिए हमारा नाम रमेश है, ठीक है, हमने रमेश भरा और इसके बाद में सेक्शन हमने अपना सेक्शन डाला। सेक्शन डालने के बाद में जो है रोल नंबर डाला, मान लीजिए हमारा 5 है, ठीक है, 5 रोल नंबर है। और इसके बाद में सब्जेक्ट इंग्लिश है और हमने डेट लिखा या सेट किया जो भी हुआ, ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट पार्ट पर गए जो हमारा डिस्क्रिप्टिव पार्ट है। तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट में कुछ समस्याएँ हो सकती है, वो हम डिटेल में आपको बताएंगे, समझते रहिए, ठीक है। ये आपका 30 मिनट्स का है, इसलिए रखा गया है क्योंकि आप जो है इसमें लिखेंगे भी और अपलोड भी करेंगे। तो अपलोड जैसे मान लीजिए यहाँ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन योर नोटबुक एंड टेक इमेज देन अपलोड हियर, तो यहाँ अपलोड करने के हैं। जैसे पहले क्वेश्चन है, राइट अ लेटर रिक्वेस्टिंग फॉर मोर फ्रीक्वेंसी ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बस सर्विस इन योर एरिया,
टू द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये हमारा इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो जैसे हमने लिखा है इसको, ठीक है, ये देखिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, और लिखने के बाद में ये देखिए मैं इसको लिखा, और ठीक है, और ये हमारा जो है जब कंप्लीट हुआ, कंप्लीट होने के बाद में हम इसका एक इमेज लेते हैं, ठीक है, एक इमेज लेते हैं, फोटो लेते हैं, ठीक है, तो फोटो इसको कैमरा से ले लेते हैं, और कैमरा से लेने के बाद में फिर इसको मान लीजिए हमको अपलोड करना है, तो इसको पहले हम रीनेम करेंगे, क्या है क्वेश्चन, वन का आंसर है या टू का है, या आप सभी सेट में सभी मोबाइल में चेंज होगा किसका क्या है, तो अपने अपने अनुसार देख लेंगे। तो हमारा जैसे हमने अभी पिक्चर लिया था इसका, तो हमने ये अपना ओपन किया, ये हमारा अभी पिक्चर लिया है, तो हमसे सबसे पहले हम इसको नेम देंगे इसका, कि ये नाम क्या है इसका, तो जो है इसको हम जो है रिनेम करेंगे, क्योंकि ऐसे पता नहीं चलेगा आप किसका आंसर दे रहे हैं। तो हम जैसे यहाँ पर हमने दिया, और ये जो हम फोटो खींचते हैं जेपीजी फॉर्मेट में होता है, ये जो है आपका जो है जेपीजी फॉर्मेट में हमने लिखा आंसर 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 वन, आंसर वन हमने लिखा, ठीक है, तो जो है लिखने के बाद में फिर हम अपने वहीं पर आ गए, कहाँ पर आ गए, आप जो हम कर रहे थे, ठीक है, इसको हम अपलोड करने जा रहे हैं, तो अपलोड जैसे मान लिया हमने यहाँ क्लिक किया अपलोड में, तो अपलोड करने के बाद में देखिए यहाँ पर कुछ दिक्कतें आ सकती हैं जब अपलोड करेंगे, अगर टीचर ने उसमें सेटिंग होता है, पीडीएफ होता है, और जो है डॉक्यूमेंट होता है, प्रेजेंटेशन भी दिया है, और कई फॉर्मेट है, आपका जो है इमेज है, वीडियो है, अगर वो सेटिंग है कि इमेज अपलोड हो जाएगा तो हो जाएगा, अगर उन खाली टीचर ने केवल पीडीएफ सेट कर दिया तो आपको पीडीएफ में ही अपलोड करना होगा, या मान लीजिए डॉक्यूमेंट में सेट कर दिया तो डॉक्यूमेंट में, तो कई चीज़ें फॉर्मेट हैं आ जाएंगी। अगर मान लीजिए पीडीएफ का है, मान लीजिए पीडीएफ में आपने जो खींचा वो है जेपीजी में इमेज में है, तो हम जो है क्या करेंगे, पहले उसको हम पीडीएफ में चेंज करेंगे, तो पीडीएफ में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, पीडीएफ में चेंज करने के लिए हम सबसे पहले आप हम ऑनलाइन जाइए, अपना क्रोम खोलिए, जो भी खोलिए, और उसमें डालिए जो है आप डालिए इसमें, जैसे हमने एक नया जो है विंडो खोला, और इसमें हमने डाला जो है पीडीएफ या जेपीजे या इमेज, इमेज मान लीजिए आपने लिया इमेज टू पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ में आपने जो है चेंज करने के लिए आ गया, ठीक है, तो जैसे यहाँ पर एक आया है एक जो है स्मार्ट पीडीएफ, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी है बहुत सारे ढेर सारे ऐसे हैं, तो हम यहाँ पर जो है चूज फाइल, जैसे हमने चूज फाइल कर लिया, तो ये देखिए हमारा जो फाइल हमने किया था उसको हमने चूज कर लिया, और यहाँ पर जो है अपलोडिंग हो रहा है, और अपलोडिंग होने के बाद में जो है फिर जो है ये हमारा जो है पीडीएफ बन जाएगा, ठीक है, क्रिएट टू पीडीएफ नाउ हमने क्लिक कर दिया, और जनरेटिंग पीडीएफ हो रहा है, और इसके बाद में जो है उसके बाद में ये डाउनलोड कर करके आ गया, तो हम डाउनलोड कर ले रहे हैं, ये देखिए डाउनलोड हो गया। अब ये आपका जो है डाउनलोड हो करके और ओपन भी हो रहा है, ठीक है, आप चाहें तो इसका नाम बदल सकते हैं, नहीं तो जो है यहाँ देखिए इसका नाम क्या है, नाम इसका जो भी आया है आप ध्यान देंगे, तो ये आपका पीडीएफ में चेंज हो गया, ठीक है, नाम है आंसर वन कन्वर्टेड, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, जो भी नाम है या आप चेंज कर सकते हैं, तो हम वहाँ पर जाते हैं जो हमें अपलोड करना है, अगर मान लीजिए इमेज का है तो इमेज में अपलोड कर सकते हैं, पीडीएफ का पीडीएफ में, अगर वो जैसे सेटिंग कर दिया गया है, और दूसरी बात है जैसे मान लीजिए टीचर ऐसा सेट करता है कि एक ही फाइल अपलोड हो, दो नहीं हो, या तीन चार पाँच जो भी हो, तो अगर एक फाइल अपलोड करता है तो आप क्या करेंगे, मर्ज पीडीएफ करेंगे, अगर मर्ज पीडीएफ करेंगे तभी आपका अपलोड हो पाएगा,
हम यहाँ पे फिर से जाएंगे और हम मर्ज पीडीएफ करेंगे, ठीक है? तो जो है क्या करेंगे, मर्ज पीडीएफ यहाँ पर जो है मर्ज पीडीएफ करेंगे। मर्ज पीडीएफ करेंगे तो जो हमारे होंगे सेलेक्ट करने का आ जाएगा। मान लीजिए हमारा ये आया और जो है हमने सेलेक्ट किया, तो कई जैसे मान लीजिए फाइल हमने सेलेक्ट कर लिए यहाँ पर, और वो सभी को मिला करके एक बना देगा, ठीक है? जैसे हमने यहाँ पर दो तीन सेलेक्ट कर लिया और वो सारे जितने भी हैं वो कुछ लिमिटेड होते हैं किसी किसी में। मान लीजिए यहाँ हमने ये ले लिया, ठीक है? तो ये हमने ले लिया तो ये हमारा सेलेक्ट होने के बाद में, और इसको जैसे अभी हम लोगों ने चेंज किया है वैसे ये भी चेंज होकर के आपका जो है जो पीडीएफ होगा वही पीडीएफ में बदलेगा, ठीक है? यहाँ पर जो है पीडीएफ जो है मैं इमेज से सेलेक्ट करता हूँ तो इमेज नहीं चेंज होगा। जो पीडीएफ है मान लीजिए ये है पीडीएफ हमारा और ये है, और इसको हम मर्ज करते हैं तो ये हमारा यहाँ पर आ गया, ठीक है? अब ये जो है आपको यहाँ ट्रायल दिया है इससे कोई मतलब नहीं है, आप दूसरे सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हमारा मर्ज और जो है आपका आ जाएगा, ठीक है? बहुत ऐसे सारे सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएंगे जिससे आप चेंज कर सकते हैं, फिर चेंज करके एक फाइल अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो पीडीएफ वगैरह आप इसको अपलोड कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आप देखते हैं हम जो है अपलोड जो है कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए जो हमारा पेपर नंबर 2 है उसमें हम क्या करेंगे, इसको अपलोड कर रहे हैं सभी का लिख कर करके इमेज खोज कर करके उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके। अगर इमेज नहीं अपलोड होता है, अगर एक फाइल अपलोड करने के कर रहा है तो हम मर्ज कर लेंगे, मर्ज करने के बाद में उसको अपलोड करेंगे, ठीक है? तो ये हम डिटेल भरते हैं, फिर से देख लेते हैं रमेश, और इसके बाद में फिर है 6B रोल नंबर 5, ठीक है? ये भी आपको 30 मिनट्स में ही करना है, ठीक है? 30 मिनट से ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? आप जो है इसको जो है ध्यान रखिए कि आपको जो है करना है। मान लीजिए पहले का हमने ले लिया फोटो, और इसको जो है ऐसे भी अपलोड होगा, अगर नहीं होता तो पीडीएफ में कन्वर्ट करता है जैसे सेटिंग हो जाए। तो हमने ये जो है यहाँ से हमने जो है ब्राउज किया, तो ब्राउज करने के बाद में हमारा ये आ रहा है जैसे अभी आंसर कन्वर्टेड आया था, ठीक है? कन्वर्टेड आया, यहाँ पर हमने अपलोड पर क्लिक कर दिया तो ये जो है हमारा पीडीएफ जो है अपलोड हो रहा है और ये अपलोड हो गया, ठीक है? इसके बाद में फिर हमने दूसरे में भी इसी तरीके से अपलोड कर दिया, जितने भी हैं आपको जो है वो हम सेलेक्ट कर कर करके और हम अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद में सबमिट कर देंगे तो ये हमारा आंसर जो है हमने इस दूसरे फाइल को ले लिया है, तो हम उसको नाम कर दीजिए answer 1 2 3 जैसा भी हो, तो आंसर नंबर डालेंगे तो उसे अपलोड करने में भी आसानी होगी, नहीं तो दूसरे का दूसरे हो जाएगा तो उससे दिक्कत हो सकती है, ठीक है? टीचर आपको कम नंबर दे सकता है या ना भी दे सकता है, तो इसलिए जो है हम इसको जो है ऐसे करेंगे, ठीक है? ये सारे अपलोड हो गए, ठीक है? ये रिक्वायर्ड नहीं है, अगर आपको नहीं आता है तो आप जो है छोड़ भी सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए आपको अगर आता है तो कुछ लिखने की। ये हमारे अपलोड हो गए दूसरा पेपर जो डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है? और हम यहाँ पर हमने सबमिट कर दिया विद इन 30 मिनट्स, ठीक है? ये हमारा सबमिट हो गया। सो ये जो है हमारा अभी जो पीरियडिक वन का है ये तरीका है आपको टेस्ट देने का। तो आपको दिक्कत हो सकती है, देखिए कंप्यूटर में तो पीडीएफ बदलने के, चाहे जहाँ आप PDF 2 जो है इमेज इमेज टू पीडीएफ कुछ भी आप डालेंगे ब्राउजर में क्रोम में तो आपको जो है मिल जाएगा पूरा। और ऐसे जो है मोबाइल में, मैं अभी आपको मोबाइल से दिखा रहा हूँ, तो ये मोबाइल और सभी में एक ही तरीके से है, चाहे लैपटॉप हो चाहे मोबाइल है, कैसे भी आप कर सकते हैं बहुत ईजी, ठीक है? थैंक यू।